हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अपना चैप्टर रीड किया था जो कि हाफ हो चुका था। आज हम उसका थर्ड पार्ट रीड करेंगे। दो पार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि एक लेटर लिखा गया था कोनी को, जिसमें क्रिसमस के बारे में था और जर्मन्स और ब्रिटिश सैनिकों के बारे में था। जो अब थर्ड पार्ट में हम क्या देखते हैं, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इन टू इट्स एनवलप आई कीप्ड अवे ऑल नाइट। वो जो राइटर है वो क्या बता रहा है कि इस लेटर को उसने दोबारा मोड़ा और उसी एनवलप में डाल दिया और वो सारी रात जागता रहा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। सुबह तक उसको समझ आ गया था कि उसने क्या करना है। आई ड्रॉव इन टू ब्रिट पॉट जस्ट अ फ्यू मील्स अवे। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीस वॉज नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल द रूफ गैपिंग। क्या था, जब उसको समझ आ गया था कि उसको क्या करना है, तो वो कहाँ जाता है, अपनी कार से ब्रिट पॉट में जाता है जो कि थोड़ी दूरी पर था। वहाँ उसको एक बॉय मिलता है जो अपने डॉग को वॉक करवा रहा था और वो क्या पूछता है कि नंबर 12 कहाँ है। तो उसके बाद क्या होता है, नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न आउट शेल एंड रूफ गैपिंग। मीन्स उसमें क्या था कि जो नंबर 12 का कोई घर नहीं था वहाँ, क्या था ऐसा, कुछ ऐसा था जो कि फायर से उसकी जो छतें थी वो नष्ट हो चुकी थी। इसके बाद है, द विंडो बॉर्ड अप आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क इफ एनीवन न्यू द वेयर बॉट्स ऑफ मिसिज मैकफर्सन। जो वो राइटर होता है वो उसके नेक्स्ट घर में जाता है और वो पूछता है कि क्या आप मिसिज मैकफर्सन को के बारे में कुछ जानते हैं। और यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, जो स्लीपर्स में था एक ओल्ड मैन, वो कहता है हाँ ही न्यू हर वेल, कि हाँ मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आगे है, अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी अ बिट मडल ही डिड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल टू बी वॉज नॉट शी। वो क्या बता रहे हैं कि जो वो लेडी थी वो 101 ईयर्स की थी। इसके बाद क्या है, शी हैड बीन इन द हाउस वेन इट कॉट फायर, नो वन रियली न्यू How the fire had started, but it couldly well have been candles. क्या बता रहे हैं कि वो घर पे ही थी जब इस घर को आग लगी थी। कोई नहीं जानता कि ये आग कैसे लगी थी, बट ये कहा जाता है कि ये जो आग थी वो कैंडल से लगी थी। She used candles rather than electricity. वो बिजली की जगह कैंडल्स ज़्यादा यूज़ करती थी। Because she always thought electricity was too expensive. क्योंकि उसको क्या लगता था, जो electricity है वो थोड़ी महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्ट रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। वो क्या बता रहा है कि जो आग बुझाने वाले था, फायर ब्रिगेड थी, वो जल्दी ही टाइम पर आ गई थी और अब वो क्या है, नर्सिंग होम में है जो टाउन के दूसरी साइड था। नेक्स्ट है, I found Burlington House nursing home easily enough. There were papers chained up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on the top. क्या बता रहा है कि मुझे ये आसानी से जो नर्सिंग होम था वो मिल गया था और उसी के कोने में जहाँ वो जाता है उस वहाँ एक कॉर्नर पे क्रिसमस का ट्री था जिसके ऊपर एक क्या बना हुआ था, एंजल बना हुआ था। आई सेड आई वाज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेस मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। वो वहाँ जाकर बताता है कि मैं उसका एक फ्रेंड हूँ जो उसको क्रिसमस का गिफ्ट देने आया हूँ। आई कुड सी थ्रो इन टू द डाइनिंग रूम वेयर everyone was wearing a paper hat and singing along to good king venceless. वहाँ क्या था, सभी ने पेपर की जो हैट डाली हुई थी, पेपर की टोपी डाली हुई थी और वो क्या कर रहे थे, वो डाइनिंग रूम में बैठे थे और सभी सॉन्ग्स सिंग कर रहे थे। द मैटरन हैड अ हैट
ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी. क्या थी जो वहाँ की इंस्पेक्शन करते हैं जैसे वो थी, वो उसने भी कैब डाली हुई थी और वो उसको देख के स्माइल करती है. शी इवन ऑफर्ड मी अ माइंस पाई. शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर. वो उसके साथ कॉरिडोर तक जाती है. मिसेज मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर. शी टॉल्ड मी शी इज़ रैदर कन्फ्यूज टूडे टू सो थ्रो इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट. वो क्या बताती है कि ये उसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि अगर वो ज़्यादा आराम करे, क्योंकि वो आज भी परेशान थी. और क्या बताती है उसको, शी हैज़ नो फैमिली यू नो नो वन विजिट. वो कहती है कि इसका कोई परिवार नहीं है, इसे कोई देखने यहाँ नहीं आता है. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू. तो उसको लगता है कि वो उसको देख कर खुश होगी. शी टुक मी इन टू अ कंजर्वेटरी विद विक्टर चेयर एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंडेड एंड लेफ्ट मी. क्या करती है, वो किसी गार्डन में लेकर जाती है उसको, जहाँ चारों तरफ प्लांटिंग करी होती है, और वहाँ उसको जाकर छोड़ देती है. इसके बाद दो स्टेंजेस इसके रह गए हैं, वो हम कल पढ़ेंगे. और इसी के साथ वर्ड मीनिंग्स भी कल ही कंप्लीट करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.